हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं 10 एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे ड्रेनेज पर। और ये इस तरह का हमारा 7th पार्ट है, यानी ड्रेनेज पर इससे पहले हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं और टोटल क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक 60। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 61 से लेके 70 तक। एंड दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी, मेरा नाम है अभिनव राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा 61 नंबर, कि जो रिवर गंगा है ये दो सोर्सेज से मिलके बनती है और कौन कौन सी वो सोर्सेज हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा या फिर भागीरथी एंड यमुना, भागीरथी एंड सरस्वती या फिर अलकनंदा या गंडक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार डील कर चुका हूँ और गंगा रिवर पर मेरा इतना अच्छा सा कवरेज था, आप उसे जाके देख भी सकते हैं अच्छा अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। वैसे इसका आंसर यहाँ पर है भागीरथी और अलकनंदा। चलिए देखते हैं मैप के थ्रू, ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भागीरथी। ठीक है, और इसका सोर्स है गंगोत्री के पास से उत्तराखंड में। और दूसरा है रिवर जो है ये अलकनंदा, इसका भी सोर्स है उत्तराखंड, ये नियर बद्रीनाथ। अब अलकनंदा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स आके मिलती हैं, जैसे कि धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, पिंडार नदी आके मिलती है करण प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में मिलती है मंदाकिनी, और अल्टीमेटली अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं देव प्रयाग में, और इसके बाद ये नदी कहलाने लगती है गंगा। ठीक है, तो यही दो हेड वाटर्स हो गई, भागीरथी और अलकनंदा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 62 नंबर, अलमाटी डैम है ये किस नदी पर कंस्ट्रक्टेड है, कावेरी, शिलुरेव, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। ये भी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, अलमाटी डैम जो है ये है कृष्णा रिवर पर, अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में चलेंगे, यानी ये कृष्णा रिवर। और ये जो सिलेरू है ना, ये सिलेरू ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ये नदी एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सिलेरू अपने आप में एक नदी है जो कि सबरी की ट्रिब्यूटरी है। इस पर क्वेश्चन आएगा आगे, अच्छे से हम लोग मैप में देखेंगे। कावेरी तो आप लोगों को यहाँ नजर आ ही रहा है, और ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, लेकिन ये जो अलमाटी डैम है ये पूरी तरह से कृष्णा रिवर पर है। देखिए, ये है अलमाटी डैम का डिस्क्रिप्शन जो मैंने विकिपीडिया से पिक कर रखा है। इसका ऑफिशियल नेम है अपर कृष्णा वन, आप कभी कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अपर कृष्णा वन क्या है। तो ये अलमाटी है कहाँ पर, कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ इसका लोकेशन है, ओके। चलिए एक बार और अच्छे से इसे जूम करके देखते हैं, ये अलमाटी डैम है और ये है कृष्णा रिवर पर, है ना, सब जगह कृष्णा लिखा हुआ, कृष्णा रिवर। ये कहाँ है, तो बीजापुर में, बीजापुर वही जहाँ सबसे बड़ा इंडिया का गुंबज है। ये हो गया उसका पिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बहुत बार दे चुका हूँ और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर बनाई गई है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर इंदस। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि 3 से 4 बार तो मैं इसका आंसर दे चुका हूँ आपको, तो इस बार आपका टर्म है आंसर देने का, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट एस्चुरी है इंडिया में ये किस नदी के मुहाने पर है, द लार्जेस्ट एस्चुरी इन इंडिया इज ऑन द माउथ ऑफ रिवर हुगली या फिर भागीरथी या गोदावरी और कृष्णा। 2001 का क्वेश्चन है। अब एक बात समझ लेते हैं पहले कि ये एस्चुरी क्या होता है, बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेल्टा और एस्चुरी में। ठीक है, लेकिन देखिए, एक ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है एस्चुरी, इसका मतलब सीधे सीधे होता है एक ये जंक्शन, ठीक है, जहां पर कि फ्रेश वाटर मिलता हो ओशन के वाटर से। यानी क्या है, ये नॉन सलाइन है, ये नमकीन पानी नहीं है, ये फ्रेश वाटर है, जबकि ओशन का वाटर जो होता है ये होता है सलाइन। यानी एस्चुरी एक इकोसिस्टम हुआ जहाँ का सेलिनिटी फ्रेश वाटर से ज़्यादा हो और ओशनिक वाटर से कम हो, और ऐसे पानी को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो आते हैं हम वापिस से क्वेश्चन पार्ट पर, और यहाँ जो हमारे ऑप्शंस थे हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा, तो इसमें से करेक्ट आंसर है हुगली। ठीक है, देखिए,
अब ये देख लीजिए जरा सा, ये ब्रैकिश वाटर की सैलिनिटी होती है 5 ppt से लेके 30 ppt तक। ppt का फुल फॉर्म हुआ पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। अब एस्चुरी का ये डिफिनीशन हो गया कि जो एस्चुरी है इज एन एरिया वेयर अ फ्रेश रिवर और स्ट्रीम मीट्स द ओशियन, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एस्चुरीज ऑफ द गंगा है जो वो है हुगली एस्चुरी, ठीक है। इसकी विड्थ जो है ना थिन से लेकर 12 किलोमीटर के बीच में है और ये बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पर कि बहुत तरह के बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है और यहाँ मिलती है एक स्पेशल टाइप ऑफ फिश जिसका नाम है हिल्सा और ये फेमस है सुंदरबन मैंग्रोव्स के लिए भी। आते हैं आगे, अब देखिए ये है रिवर गंगा जिस पर लोकेटेड है पटना, ओके। ये इस तरह से आती है यहाँ वेस्ट बंगाल में और ये रिवर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक ब्रांच चला जाता है बांग्लादेश में जिसे पद्मा नाम से जानते हैं और दूसरा इसे साउथवर्ड आता है जिस पर कि लोकेटेड है कोलकाता, ठीक है। और ये रिवर ही कहलाती है भागीरथी हुगली, ठीक है। और ये जो रीजन है ना ये सुंदरबन का डेल्टा है और ये इंडिया का लार्जेस्ट एस्चुरी है। तो कोलकाता लोकेटेड है भागीरथी रिवर पर, आपको बताना है कि ये किस बैंक पर है, राइट बैंक पर है या फिर लेफ्ट बैंक पर, आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। आगे आते हैं तो ये थोड़ा जूम्ड वर्जन है, देख लीजिए हुगली रिवर और ये कोलकाता के पास से जा रही है। अब तो आप आंसर दे ही पाएंगे लेफ्ट पर है या राइट पर, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 65, द ज्वाइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज, यानी इसमें से एक ऑप्शन में एक नदी ऐसी है जिस पर कि प्रोजेक्ट बनाए हैं इंडिया और नेपाल मिलके। यहाँ ऑप्शंस हैं गोमती, चंबल, दामोदर या फिर कोसी। 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा ही। अब देखिए एलिमिनेशन राउंड पर चलते हैं। तो चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से ताल्लुक रखती है तो काहे का नेपाल से इसका रिश्ता है ना। साथ ही साथ दामोदर झारखंड वेस्ट बंगाल ये भी हटा दीजिए, यानी गोमती और कोसी आपके पास ऑप्शन बच गए, यानी केबीसी का 50-50 वाला ऑप्शन हो गया ये, है ना। तो इसका आंसर है कोसी, ओके। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन या फिर कहें कि मैपर और डिस्क्रिप्शन। ये पिक्चर है, मैं इस रीजन को जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है कोसी रिवर और जो कि जाके मिलती है गंगा रिवर में नियर ये बिहार में ही ये मिलती है कटिहार में, ठीक है। अब देखिए कोसी का जो ओरिजिन है ना ये तिब्बत से है, देख पा रहे हैं आप नेपाल के भी आगे से आ रही है तिब्बत से। ये सप्त कोसी है मतलब सात नदियाँ मिलकर अल्टीमेटली कोसी बनाती हैं। अब हमें यहाँ इम्पोर्टेंट ध्यान ये देने वाली बात है कि यही रिवर है जहाँ पर कि ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और नेपाल का, ओके। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली थी जब हमें, उसके जस्ट बाद पॉलिसी प्लानर सॉट अ सॉल्यूशन ऑफ रिकरिंग फ्लड मेनेस फेस्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार। तो आज भी बिहार के लोग जो हैं नॉर्थ बिहार के कोसी रिवर के प्रकोप से प्रभावित हैं, लेकिन उस समय रिकरिंग फ्लड आते थे मतलब बहुत ज़्यादा आते थे। अब तो कुछ सालों बाद आते हैं ना, उस समय हर एक साल यही होता था कोसी रिवर के चलते। तो फिर इंडिया और नेपाल मिलके एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाए, द कोसी प्रोजेक्ट वाज दस कंसेप्चुअलाइज। और ये पहले इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया कुछ सालों तक यानी 1946 से 55 के बीच में और कंटिन्यूस इंटरलिंकिंग स्टेजेस पर। थर्ड पार्ट जो है ना ये एक हाई मल्टीपर्पज डैम बनाया गया नेपाल में, इसका नाम है बड़ा क्षेत्र, ठीक है। अब इससे क्या है कि फ्लड कंट्रोल होता है, साथ ही साथ इरिगेशन और पावर बेनिफिट्स भी मिलते हैं दोनों कंट्रीज को। पावर बेनिफिट्स मतलब यहाँ पर बिजली तैयार होती है। और जो एक ऑप्शन थी गोमती रिवर, ये निकलती है गोमत ताल से और ये गोमत ताल है कहाँ पर, तो माधो टंडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब ये मैं यहाँ मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ कॉपीराइट के इशूज हैं। तो आप मैप खोलेंगे अपना और देखिए कि यूपी में पीलीभीत कहाँ है और नेपाल से ये कितना दूर है। ये रिवर करीब 960 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा रिवर में जाके मिल जाती है बनारसी डिस्ट्रिक्ट में, बनारस में नहीं बनारसी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। ये गोमती रिवर की पिक है और गोमती से रिलेटेड एक अच्छी बात यह है कि लखनऊ जो यूपी का कैपिटल है इसी रिवर पर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन मेघना, ठीक है।
ये है एक कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ टू रिवर्स, यानी दो नदियां मिलके इस तरह से कहलाती हैं मेघना। तो कौन सी वो दो नदियां हैं? गंगा एंड यमुना, गंगा एंड गोमती, गंगा एंड सोन, या फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ 2002 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। देखिए इस मैप में अभी मैं आपको बता रहा था कि वेस्ट बंगाल में एक ये रिवर जो गंगा आ जाती है बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और दूसरा हो जाती है हुगली। तो ये जो पद्मा नदी है और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि आसाम से इंटर होती है बांग्लादेश में, तो उसे बांग्लादेश में बोलते हैं जुमना, ठीक है, यमुना नहीं, जुमना, जमुना, ठीक है, जे ए एम यू एन ए, जमुना। तो दोनों नदियां मिल जाती हैं तो ये फिर पद्मा कहलाती हैं और बाद में ये नदी यहाँ लिखा हुआ आपको मेघना। तो आंसर के हिसाब से या फिर कहें कि क्वेश्चन के हिसाब से पद्मा और ब्रह्मपुत्रा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल के मेघना रिवर कहलाती हैं, लेकिन ये आधा सच है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और नदी आके मिलती है बराक इस टाइप से, ठीक है, या फिर सुरमा। इसके मिलने के बाद पद्मा और जब ये सुरमा मिल जा रहे हैं इस तरह से आगे जाके ये मेघना कहलाती है। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ के लिए आप यही सही जान लीजिए कि क्वेश्चन के हिसाब से गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला पार्ट देखिएगा, मैंने इस बात को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है वहां पर। नंबर 67, वेयर इज द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट। लंबा सा नाम है राणा प्रताप सागर, तो ये किस नदी पर है? सतलज पर या चंबल पर, नर्मदा पर या गंडक पर? यह भी 2002 का क्वेश्चन है। अब देखिए आप अगर आंसर जानते हैं एक बार में बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तुक्का लगा लेना चाहिए। तो राणा प्रताप किस स्टेट के थे और किस स्टेट की नदी है? तो राणा प्रताप जानते हैं कि राजस्थान से ताल्लुक रखते थे और चंबल वहीं की नदी है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इट इज ऑन रिवर चंबल। अब क्या है कि राणा प्रताप सागर जो डैम है ग्रेविटी मैसनरी डैम है, इसकी हाइट करीब 54 मीटर है और ये है चंबल नदी पर रावत भाटा इन राजस्थान, ठीक है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था ओपन फेब्रुवरी 1970 में उस समय के तत्कालीन पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, समझ रहे हैं आप, और ये दोनों के बॉर्डर के करीब आपको है दिख रहा राणा प्रताप सागर डैम। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे डिमार्केट कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर राजस्थान है और इसके नीचे है मध्य प्रदेश। चलिए अब इस रीजन को मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जहाँ मेरा डिमार्केशन था वो ये इस तरह से हो गया, ऊपर में हो गया राजस्थान, नीचे में हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये है राणा प्रताप सागर डैम और ये इस तरह से जो ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये नदी है चंबल, चंबल। तो फिर ये कौन सा रिजर्वायर है? यानी ये रिजर्वायर है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम है गांधी सागर डैम। यानी चंबल नदी पर लगातार दो डैम है, गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। ओके, अब अगला क्वेश्चन 68 नंबर, द रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम द साउदर्न साइड इज। वो कौन सी नदी है जो गंगा नदी को मिलती है साउदर्न साइड से? ऑप्शंस यहाँ पर है बेतवा, चंबल, सोन और केन। ये बहुत अच्छा सा एक हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और इसका आंसर आप एक बार को सोचिए, ठीक है, इसका आंसर है सोन। ओके, चलिए देखते हैं इस मैप को, देखिए ये गंगा रिवर है और ये है यमुना रिवर, दोनों मिलती हैं यहाँ इलाहाबाद में और फिर गंगा के नाम से ये आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में जो भी था यहाँ पर चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, तो यहाँ देखिए चंबल रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की, बेतवा रिवर है ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, फिर यहाँ जाके मिलती है केन, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये जो सोन है ये डायरेक्टली जाके गंगा नदी में मिलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोन। ओके,
ये सारी नदियां साउथवार्ड हैं, चंबल, बेतवा, केन और सोन, लेकिन डायरेक्टली सोन ही है जो गंगा में मिल रही है। ठीक है, ये मिलती कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, और स्पेसिफिक जगह का नाम मनेर है। नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक्स एन एस्चुरी। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है इस टोटल 10 के सेट में, कि कौन सी वो रिवर है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और एक एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं यमुना, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी। तो यमुना तो ईस्ट फ्लोइंग है, कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग है, और गोदावरी, ये कहीं ना कहीं तीनों नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, यमुना इनडायरेक्टली गंगा में मिलने के बाद और कृष्णा गोदावरी डायरेक्टली। तो यहाँ ऑप्शन बच गया नर्मदा, ये तो एक्सप्लेन करने के वर्थ नहीं था। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? सियाचिन या गंगोत्री या यमुनोत्री या फिर चेमायादुंग ग्लेशियर? अब देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री तो आप काट ही दीजिए, क्योंकि गंगोत्री से गंगा है, यमुनोत्री से यमुना है, सियाचिन और चेमायादुंग ग्लेशियर बच गया। लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर तो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन था तो आप इसे टिक किए होते एग्जाम में, यानी चेमायुंग दोंग ग्लेशियर, लेकिन लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका दूसरा नाम तिब्बत रीजन में यारालंग जांगपो रिवर है और ये निकलता है अंगसाई ग्लेशियर से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि पहले ना 1930s में ये जियोग्राफर जो थे स्वामी प्रणवानंद, इन्होंने बता दिया था कि चेमायुंगदंग ग्लेशियर से निकल रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन था। बाद में उनके इस बात को काटा गया और ब्रह्मपुत्र रिवर जिस ग्लेशियर से निकलती है नियर मानसरोवर लेक, ये है अंगसाई ग्लेशियर। ठीक है, तो सीजीएल ये क्वेश्चन पूछ दिया था लेकिन इसका आंसर गलत था, इसका आंसर हो जाएगा अंगसाई ग्लेशियर। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे और इसका 8th पार्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साइट करें, या आपको लगता है किसी खास टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।